हमारे घर में जब भी केले आते हैं तो उनमें से अच्छे वाले तो हम खा लेते हैं, बच जाते हैं ये ओवर राइप्ड जिनके ऊपर ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं या एक दो दिन पुराने हो जाते हैं, तो क्या हम इन्हें फेंक देंगे? नहीं, हम इनसे बनाएंगे एक टेस्टी सा हेल्दी सा केक। केक का बैटर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले बटर मिल्क चाहिए यानी कि छाछ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप आधा कप वो यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप आधा कप दूध में एक चम्मच सफ़ेद विनेगर डालकर उसे 10 मिनट के लिए रख दो और फिर इस्तेमाल करो। हमारे पास ये 3 मीडियम साइज़ के केले हैं जो ऐसे बाहर से एक्स्ट्रा पके हुए लग रहे हैं पर अंदर से ये बिल्कुल ही ठीक है, आप देख सकते हो। इन्हें अब हम अपने ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और एक फाइन प्योरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जिसमें बहुत तेज स्मेल या फ्रेग्रेंस ना हो। और तेल को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर उसमें जो बटर मिल्क या दूध विनेगर का मिक्स रखा था हमने, उसे इसमें डालकर इसे अच्छे से विस्क करेंगे। हमें सब कुछ डालकर विस्क करते रहना है ताकि इसके अंदर एयर अच्छे से इनकॉर्पोरेट होता रहे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर हम 3/4 कप पाउडर्ड शुगर को सिफ्ट कर देंगे। हमेशा जो भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करें उसे हमेशा ही सिफ्ट करें, उससे ये होता है कि जो भी बड़े बड़े चंक्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। रेसिपी में इस्तेमाल हुए सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स और मेथड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन डैट केस आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर हम ये 2 टेबलस्पून बटर डाल रहे हैं। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है और ये नॉर्मल हमारा सॉल्टेड बटर ही है, आप चाहो तो अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हो। साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और उसे भी इसमें अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। हमें बैटर को लाइट और फ्लफी होने तक विस्क करना है। अब इसके अंदर हमारे पास जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उन्हें सिफ्ट करना है। ये 1.5 कप मैदा है, साथ में 1 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है। आप इसकी जगह कोकोआ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। इसके लिए हम अपने व्हिस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि किसी स्पैचुला या स्पून का यूज़ करेंगे और उसे कट एंड फोल्ड मेथड से इस मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड मतलब एक बार ही इसे उठाएंगे और फिर उसे पलट देंगे। आप देख सकते हो मैं जैसे कर रही हूँ, और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अगर आप अपने केक बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स करोगे तो उससे उसमें डाला हुआ एयर निकल जाएगा और केक उतना स्पॉन्जी नहीं होगा। फिर हमने एक बेकिंग पैन लिया है जिसे हमने अंदर से ऑयल से ग्रीस कर रखा था और उसके अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे और फिर स्पून की हेल्प से या एक दो बार टैप करके इसके सर्फेस को स्मूथ कर लेंगे। मैं इसके ऊपर ये क्रश किया हुआ बादाम डाल रही हूँ यानी कि आमंड्स। आप इसकी जगह वॉलनट डाल सकते हो, चोको चिप्स डाल सकते हो या फिर इसे ऐसे ही भी बेक कर सकते हो। मैं इसे अपने माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे बेक करने वाली हूँ। इसके लिए हम इसे 180 डिग्री पर 35-40 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप इसे कुकर या कढ़ाई में बनाने वाले हो तो मीडियम हीट पर 30-35 मिनट तक पका लो। फिर इसे निकाल कर हम इसके अंदर एक टूथपिक डालेंगे। अगर टूथपिक बाहर निकालने पर उस पर कुछ नहीं लगा है, मतलब ये पक चुका है, पर अगर टूथपिक पे कुछ लगा रहता है तो आप इसे कुछ मिनट के लिए फिर से बेक कर लो और फिर इसे पूरे तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। और फिर एक चाकू लेकर इसके साइड में एक बार स्क्रैप कर देंगे जिससे इनकेस अगर चिपका हुआ है तो पूरे तरीके से निकल जाए।
फिर एक प्लेट को इसके ऊपर रख के हम इसे उल्टा कर देंगे और एक दो बार टैप करते ही आप देख सकते हो कितने आसानी से बाहर आ गया है। अब मैं एक चाकू से इसके स्लाइसेस कर रही हूँ। आप काटते हुए देख सकते हो कि ये कितना स्पॉन्जी है, क्योंकि काटते हुए ये दब रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। नॉर्मली बनाना केक जो होता है वो बाकी केक के कंपैरिजन में कम स्पॉन्जी होता है, और हमने इसमें एग्स भी नहीं डाला है, दैट्स वाई इसे हम बनाना ब्रेड भी कहते हैं, और ये चाय या कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।